यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर से ऑनलाइन कॉइन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और जिसके लिए ठग ने पहले अपने शिकार को दुबई से लेकर गुवाहाटी तक घुमाया, खिलाया पिलाया और फिर हलाल करते हुए उसको ठग लिया। यूपी के जो पुलिस हैं उनके मुताबिक इंदिरापुरम निवासी उमंग अरोरा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि बीते साल नवंबर में एक कंपनी का डायरेक्टर उनसे मिला, उनसे 200 दिनों में पैसे 3 गुना करने का झांसा दिया। ठग के झांसे में आने के बाद पीड़ित ने अपने अलावा पत्नी रिश्तेदार के भी पैसे लगवा दिए जिसमें करीब 30 करोड़ रुपए ठगे जाने की आशंका है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। करीब 10-12 की संख्या में उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उनसे क्रिप्टो करेंसी लेने के नाम से पैसे की ठगी हुई है और 2 व्यक्तियों पे उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। काफ़ी टेक्निकल नेचर का इन्वेस्टिगेशन है और फोर्जरी का जो तरीका ये लोग बता रहे हैं कि नई एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बेसिस पे, बिटकॉइन की तरह की क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्च की, जो एक्यूज्ड है उन्होंने एक रिपल फ्यूचर नाम से क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की और उसके नाम से ठगी कर ली और फिर पैसा इन लोगों का रिटर्न नहीं हुआ है। तो इस तरीके का एलिगेशन लगाया, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।